तो आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल रेसिपी जिसे आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो छिले हुए आलू ले लिया है और मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है और अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर ले लिया है और अब हम इस तरीके से इसे ग्रेट करेंगे जिससे आलू के जो लच्छे हैं वो बहुत ही अच्छे से लंबे लंबे निकलेंगे। और इस तरीके से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे ग्रेट कर लिया है और अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आलू के लच्छे हैं वो बहुत ही अच्छे से वाइट है क्योंकि हमने इसे डायरेक्ट पानी में डाला हुआ। अगर आप इसे डायरेक्ट पानी में नहीं डालेंगे तो ये ब्लैक हो सकता है। और यहाँ पे मैंने इसे छान लिया है। और अब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है जिसमें हम 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी जो अब मेल्ट हो चुका है और यहाँ पे मैंने 1/4 कप फली ले लिया है और अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे जो फली अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च ले लिया है जिसे बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक लाल मिर्च ले लिया है। और अब यहाँ पे मैंने 1 स्प्रिंग करी लीव्स ले लिया और अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए। और अब ये फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें जो आलू के लच्छे हमने तैयार किए थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1/2 टेबल स्पून सेंधा नमक। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए ढक के पकने देंगे। और अब 5 मिनट्स हो चुके हैं, हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, ये पक चुका है। और अब हम इसमें फ्राई किए हुए फली को भी इसमें डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब फली भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा आलू का व्रत स्पेशल रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।